तो कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होने वाला है, हम आपसे आज शेयर करते हैं, यानी कि हम आज आपको बताते हैं। तो कुंडली भाग्य में मंदिर में करण अपने अंदर के एहसास की वजह से प्रीता को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, हालांकि प्रीता भीड़ में खो जाती है और उनको मिलती नहीं है। कुंडली भाग्य में पालकी और राजवीर मैनेजर को यह बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो कपल नहीं है, लेकिन मैनेजर उन्हें कपल कहता रहता है और रिंग्स का कलेक्शन दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य में, आज की कुंडली भाग्य में पालकी और राजवीर मैनेजर को यह बताने की पूरी तरह कोशिश करते हैं कि वो कपल नहीं है, लेकिन मैनेजर उन्हें कपल कहता ही रहता है और रिंग्स का कलेक्शन दिखाता है। दूसरी तरफ करण मंदिर में पागलों की तरह प्रीता को ढूंढता है। क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने उसे देखा है। जी हाँ दोस्तों, करण मंदिर में पागलों की तरह प्रीता की खोज में ढूंढता रहता है कि वो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, मेरा ढूंढना कामयाब होगा। क्योंकि उसको वहां के कुछ लोगों ने देखा था तो वो बताया था किसको, करण को, कि प्रीता मंदिर में है, तो वो ढूंढना शुरू करता है। तभी दादी और करीना किरण फिर से करण से मिलती हैं और पूछती हैं कि वो मंदिर में क्या कर रहा है। करण करीना और दादी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो पहले प्रीता को ढूंढना चाहता है। करण खुद खाली महसूस करता है और भगवान के सामने घुटने टेक कर प्रीता को वापस लाने के लिए कहता है। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।